President Andrew Gordon and my Assistant Secretary General Bihar, supporting increase of the jazz. The theme of this event was connecting science with the masses, which is essential for transformative growth and development of the country. Science communication, especially in Indian languages, has an important role to play for fostering the connection. And this is the journal view that emerged after screening the scientific content of all the films at the International Science Literature and Film Festival 2018. The festival attracted all types of professionals ranging from scientists, researchers, filmmakers, science scientists in large numbers. I came to know that more than 500 scientists and students participated. This event is a huge success in bringing all the professionals together in dissemination of scientific awareness and interest among us. Thank you, Dr. Sareen. Next, I would like to invite Mr. Shambhunath Singh into the kinds of science service that we receive. Professor Shambhunath, I would like you to give a brief insight into the kinds of science service that we receive. Respected Minister Dr. Harshvardhan, विज्ञान भारती के अध्यक्ष प्रोफेसर भदौरिया, गोडे जी, श्री संदीप सरेन जी और यहाँ हॉल में उपस्थित वैज्ञानिक एक्सपर्ट, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, साइंस कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, फिल्म मेकर, स्टूडेंट्स and science enthusiasts. ये International Science Festival पिछले चार दिनों से चल रहा है लखनऊ शहर में. अलग अलग एस्पेक्ट से, अलग अलग वेन्यू पे अलग अलग तरह के इवेंट हो रहे हैं. हो सकता है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए ये पॉसिबल नहीं हो कि वो एक साथ कई इवेंट पे कर सकें क्योंकि दूरियां भी बहुत हैं, लेकिन जितना संभव है इस इवेंट जो साइंस कम्युनिकेशन वाला एस्पेक्ट है उससे हम लोग लगातार देख रहे हैं. जो लोग साइंस को कम्युनिकेट करने के प्रयास में लगे हैं उनकी एफर्ट को, उनकी संजीदगी को, उनकी सेंसिटिविटी को और उनकी क्यूरियासिटी को, यहाँ तो एक्सपर्ट हैं, साइंस कम्युनिकेशन के फिल्म मेकर्स हैं, वो लगातार एड्रेस कर रहे हैं. कल हम लोगों ने लंबा सेशन किया इससे, जो हमारे फिल्म मेकर जिन्होंने अपनी फिल्में सबमिट की थी साइंस से, उन्होंने फिल्मों के बारे में हम लोगों से इंटरेक्ट किया जो नेशनल जूरी है. विज्ञान प्रसार के लोग थे उसमें और फिल्म मेकर थे, बहुत रिनाउंड लोग थे. तो छोटी छोटी क्वेरीज को भी बहुत इंटरेक्टिव वे में समायोजित किया गया. मुझे लगता है कि साइंस में जो अभी ये संदीप जी एक बात कह रहे थे कि भारतीय भाषाओं में साइंस का काम उतना शायद नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए. आज भी हम लोग अगर पीएससी एनएससी करते हैं कि डॉक्टर को भी मालूम होगा कि डॉक्टर तो खुद ही इस क्षेत्र के विद्वान हैं, डॉक्टर हैं, सब मेडिकल वर्कर सब किए हैं. भारतीय भाषाओं में सामग्री नहीं मिलती डॉक्टर, अंग्रेजी में तो सामग्री साइंस की उपलब्ध है. अगर कोई बच्चा बीएससी करना चाहे, एनएससी करना चाहे और करना चाहे पीएससी वगैरह, बहुत मटीरियल है. लेकिन अगर भारतीय भाषाओं में कोई करना चाहे तो उसके लिए मुश्किल होती है. टर्मिनोलॉजी वगैरह को उसका तो चलिए छोड़ दीजिए, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, लेकिन टेक्स्ट बहुत कम है.
इसकी तुलना में जो इसका कम्युनिकेशन वाला पक्ष है, जितनी फिल्में हैं हम लोग पीरियड की बात अधिक मतलब मैक्सिमम फिल्में भारतीय भाषाओं में थी। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस के जो आविष्कार हो रहे हैं, जो इनोवेशन इन्वेंशन और बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उनके बारे में भारतीय भाषाओं में जो फिल्में बच्चे बना रहे हैं, टीचर्स बना रहे हैं, रिसर्चर बना रहे हैं, फिल्म मेकर्स बना रहे हैं, वो मेरा ख्याल है बिल्कुल उलट सीन है उसका। जो सीन एकेडमिक्स का उससे बिल्कुल अलग सीन कम्युनिकेशन का, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस कम्युनिकेशन। नंबर ऑफ फिल्म्स, नंबर ऑफ कम्युनिकेशन मटेरियल्स अवेलेबल इन साइंस रिलेटेड टू साइंस, वो भारतीय भाषाओं में अच्छी खासी है। मतलब हम लोगों ने जितनी फिल्में थी उसमें शायद ही मतलब 1% भी फिल्में ऐसी नहीं रही होंगी जो गैर भारतीय भाषाओं की फिल्में रही। तो ये एक डिफरेंट चीज, इट मीन्स कि ये जो कम्युनिकेशन वाला एंगल है ये डायरेक्ट मासेस को टच कर सकता है, उसको हिट कर सकता है, उसको इग्नाइट कर सकता है। ये इसका जो रीच है, रीच टू द मासेस टू मीडियम, मीडियम मीन्स टू फिल्म टू अदर मीडियम, वो चीज अवेलेबल है, ये अच्छी बात है। और हम देख रहे हैं ये स्थिति पिछले मेरा ख्याल एक चौथा है, और इस अभियान से मैं व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ा हुआ हूँ सिंस बिगनिंग। पिछले साल भी चेन्नई में साइंस इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था, वहाँ भी बहुत अच्छा था, यहाँ का भी बहुत अच्छा है। जितने ज़्यादा पार्टिसिपेंट और जिस लेवल के फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे ब्रिटेन से लेकर जर्मनी तक, स्वीडन, नीदरलैंड, यू कैन नेम इट, तो सारा जो इंटरनेशनल गैदरिंग यहाँ आकर के इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में शामिल हो रही है, उससे इसके सक्सेस का कुछ पता तो चलता है। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि हर्षवर्धन जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने यह अभियान शुरू किया और ये एक मुकाम तक पहुँच रहा है। पिछले साल डॉक्टर ने एक फुल फ्लेज साइंस चैनल शुरू करने की, 24/7 साइंस चैनल शुरू करने की घोषणा भी की थी, उससे मेरा ख्याल है कि ज्ञान प्रसार वाले काफी एंथुसियास्टिकली काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी कह सकता हूँ, नरेश कपूर आते हैं, कंसल्टेंट करते हैं, हमारा चैनल आ रहा है, काफी उत्साहित है। मेरा ख्याल है शायद वो चैनल भी किसी अच्छी स्टेज में होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर कोई डेडिकेटेड साइंस चैनल हो जाए तो मेरा ख्याल है इट वुड बी ग्रेट हेल्प टू कम्युनिकेट साइंस इफेक्टिवली, और मुझे लगता है कि एक बड़ा बेंचमार्क होगा। बहुत सारे कुछ दिन हम लोगों ने चैनल चलाया था लेकिन उसमें ज़्यादा सहयोग अपने जो इससे पहले वगैरह कर लिया था, जो दूसरे ये हैं डिस्कवरी वगैरह से भी कुछ ये लेते थे, उस तौर पर ये चैनल भी इफेक्टिवली हो सकता है। मेरा ख्याल है कि शायद अगली बार जब हम लोग मिले तो चैनल काम कर रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और बाकी जितने लोग आए यहाँ, जितने पार्टिसिपेंट्स आए, जितने सब लोग आए साइंस फिल्म बनाने वाले जो स्टूडेंट और बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू प्रोफेसर। नेक्स्ट आई इनवाइट डॉक्टर डेंजल गॉर्डन, टीचर, साइंस कम्युनिकेटर and a member of the Legislative Assembly in Uttar Pradesh. Honorable Minister, Dr. Harshvardhan Ji, Minister of Science and Technology, Environment and Forests and Climate Change, respected dignitaries on the dais, scientists, delegates from India and abroad, science communicators, and young citizens of India present here today. It indeed has been a great event to conduct the India International Science Festival for the fourth time
the effort which has gone into the organization, the support of the Ministry of Science and Technology, Vigyan Bharati, Department of Biotechnology, the National Institute of Immunology, and most of all, the educational institutions who have been so involved at every stage to create awareness, who helped in collaboration and communication, who helped in the coordination of the programs. Without you, this event would not have been possible. May I ask you to kindly put your hands together for the organizers. So, during these days, it was wonderful to see कि किस तरह से जो है हमारे जो है भारतीय संस्कार को जो है ध्यान में रखते हुए इस तरह का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया। इसमें अगर हम गौर करें तो कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल अप्रोचेस दोनों जो है ऑर्गेनाइजर्स ने ध्यान में रखा। देयर वाज रीचिंग आउट टू द पब्लिक और ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर कोई भी काम अगर इस देश की भलाई के लिए होना है ये केवल हमारी सरकार नहीं कर सकती है पर आप लोग सरकार से के साथ मिल करके अपने देश के लिए करेंगे और इस इन तीन दिनों में जो है जिस तरह से जागरूकता आए द अवेयरनेस विच केम टू ईच वन बाय द वेरियस सेशंस बाय द एप्लीकेशन एस्पेक्ट विच वॉज द बेसिस of this science communication to transform India कि हमारा देश जो है और बेहतर देश बने और ये तभी संभव होगा जब हम इस काम को अपने से शुरू करेंगे। सुबह भी हमने आपसे कहा था कि अगर कोई कार्य करना है जो है केवल महामंच से बोलने से नहीं होगा केवल सोचने से नहीं होगा परंतु हम जब अपने मन में सोचेंगे तो वो शब्दों में बदलेगा और शब्दों को जो है जब कर्म में बदल के आएगा जैसे भगवद गीता में लिखा है बिल्कुल जो है हमारे कर्म से ही जो है हम दूसरे लोगों को जो है प्रेरित करेंगे एग्जाम्पल देंगे लोगों के दिल और दिमाग को बदलेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए भी जो है इस दुनिया को और बेहतर और सुंदर बना करके हम लोग छोड़ेंगे। आई वॉन्ट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स वंस अगेन। They mentioned that it was all because of our minister present here and the Ministry of Science and Technology. पर ये भी हम आपको बता दें, जिस तरह के आज जो है हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, या हमारे सेंटर में हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, केवल एक देखिए एक अच्छा इंसान वहां पे है, पार्टी की बात हम नहीं कर रहे हैं, वो अपने देश की भलाई चाहते हैं और हर एक से हम यही जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी हमारे जो है सामाजिक कार्यक्रम है उनसे आप जुड़िए उनसे बने रहिए और हमारे भारत को एक जो है अच्छा एग्जाम्पल बाकी देशों के लिए हम लोग बना के दुनिया को दिखाएं। जय भारत जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर गोयल। ऑल्दो यू ऑल आर वेरी ईगर टू सी द ऑनरेबल मिनिस्टर सर विद योर परमिशन we organize two competitions in science film category and science cartoon competitions. And if you permit, we would like you to give away the awards. Honorable Minister and Dignitaries from the dais, बहुत बहुत आभार सर हमारे बीच में source of inspiration. मैं सर को बताना चाहूँगा कि सर हमने रिसर्च स्कॉलर कैटेगरी को इसमें शामिल किया और इसके अलावा कॉलेज और स्कूल लेवल से हमको फिल्में मिली और इस कॉम्पिटिटिव कैटेगरी के अलावा हमारे पास नीदरलैंड डेनमार्क स्वीडन जर्मनी और यूके से फिल्में आई जिसका यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। रिसर्च द रॉयल सोसाइटी से बहुत खूबसूरत फिल्में हमारे पास हैं जिसमें सर डेविड एटनबरो बिल ब्रायसन Dan, Julia, Higgins, and Brent Fox, and Sally Davies. बहुत सारे उम्दा फिल्में जो साइंटिस्ट के जो हमारे टॉप जिनके नाम दुनिया में जाने जाते हैं
Green Oscar awardee and brand ambassador of eco-tourism, Government of Uttar Pradesh, डॉक्टर माइक पांडे हमारे बीच रहे। उन्होंने बहुत सारे फिल्में उनकी हमने देखी, हमारे पार्टिसिपेंट को उससे बहुत जो एक क्रिएटिव और टेक्निकल नॉलेज है फिल्म मेकिंग की, वो हमने यहाँ पर कम्युनिकेट की। मैं अवार्ड के लिए सबसे पहले अनाउंस जो हमारे यहाँ पर जूरी मेंबर हैं, हिमांशु मल्होत्रा जी आप हमारी स्टेज पे आए, और मैं ऑनरेबल मिनिस्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगा और हमारे जूरी चेयरमैन से भी सर आप प्लीज आगे आ जाए ताकि हम अवार्ड को बोला सके। हिमांशु जी हमारे जूरी मेंबर, काइंडली अनाउंस द अवार्ड ऑफ स्पेशल जूरी अवार्ड ऑफ रुपीज 10,000 कैश सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी। This award goes down to Ananda, film title, Rukshan Kumar, DAV University, Jalandhar. I request Dr. Suparna Dutta to kindly come on the dais to announce other jury awards. Dr. Suparna Dutta, please, our jury member. And this is special jury award, second special jury award, rupees 10,000 cash, trophy and certificate. And this award goes to Grandma's Home Remedies, Kasturi Mill, Kulkarni, Kasturi Mill, Kasturi Mill. For research scholar category, Innovative in India, the third prize. And award goes to Pratikriya, directed by Abhinav and Bharati. Abhinav and Bharati, very smart. Rupees 20,000 cash, certificate and trophy. I invite Professor Dinesh Kumar, former director, Institute of Science Communication, Lucknow University, to come on the dais to announce the Innovative India category, Research Scholar category, second prize. In memory of the master, Jyotirao Jay, director of the university. Cash, certificate and trophy. I request Sri Santosh Panaji, senior producer, ETV Bharat, Ramoji Film City, Hyderabad, our invited speaker to come on the dais to announce the Innovative India category film made by Research Scholar, the first prize. Elixir of Water Restoration Heritage Assets, directed by Pooja Vyas.
rupees 50,000 cash, certificate and trophy. Now I invite our expert film maker Lohita Bora from Guwahati Northeast to announce next category in United India, film made by college students, the third prize. And the third prize goes to for the category United Indians films made by college students. Film Green Soil, directed by Karthi Raj B.S., produced by Vivekanand Science Media Center, IISER, Pune. Thank you. Rupees 20,000 in cash, certificate and trophy. I invite Professor Sabina Kishwai, senior filmmaker and academician from Mass Communication Research Center, Jamia Millia Islamia, our expert filmmaker, to announce the second prize, Ignited India category, film made by college students. The award goes to Fostering Sustainable Green, Rita Brita Mehti, Vijay Karjoshi Ray College. Rupees 30,000 cash, certificate. I invite Professor Alok Bhagwat, Director, CSIR, Industrial Toxicology Research Institute, Dharamnagar, to announce the first prize, Ignited India category, film made by college students. And the award goes to Sampurna to Beyond for the short time fiction on menstrual cycling health and hygiene, directed by Tanya and produced by the Kerala Institute of Technology Mitra of Campus Noida. Rupees 50,000 cash, certificate and trophy. मैम सामने देखिए. थैंक यू. नाउ आई इनवाइट प्रोफेसर सुंग क्यून को फ्रॉम चुलना नेशनल यूनिवर्सिटी. He is not here. Dr. Kanan Purkayas, sir, please come on the dais. Yeah, please. To announce the third prize, Inspired India category. Sir, please, both of you. You please come on. And the award goes to the film Vidhina Shah, The Fire, directed by Akshay Kapoor, produced by Akshay Kapoor. Rupees 20,000 cash and coffee.
second prize in this category, Inspired India, films made by a school student. Yeah.